विद्यार्थियों, आज इस वीडियो लेक्चर 1 में मैं जो टॉपिक लेकर आपके समक्ष आया हूँ, ये टॉपिक है बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ये हमारे बॉटनी के स्नातक स्तर के सिलेबस में बीएससी पार्ट 3 के बॉटनी के सेकंड पेपर में यूनिट 3 में यह टॉपिक रखा गया है। बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया में आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर विमल कुमार कानूनगो, सहायक प्राध्यापक के रूप में वनस्पति शास्त्र विभाग में शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में कार्यरत हूँ। आइए सबसे पहले समझें कि हमारा टॉपिक है क्या। बायो ज्योग्राफिकल, बायो का मतलब है लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं आप जानते हैं, फ्लोरा यानी प्लांट्स और फाउना यानी एनिमल्स, सभी प्रकार के जीवित जीव जो हैं उनको हम बायो कहते हैं। और ज्योग्राफिकल यानी उनका भौगोलिक वितरण, किस प्रकार से ज्योग्राफिकली ये सब भूभाग में, हमारे भारत के अलग अलग भूभाग में किस प्रकार से जीवों का वितरण पाया जा रहा है और उन वितरणों के आधार पर उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, इसके बारे में हम विस्तार से आज समझेंगे। तो बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स, भारत में अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव भौगोलिक दृष्टि से वितरित पाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज बायो ज्योग्राफी। तो बायो ज्योग्राफी है क्या? तो बायो ज्योग्राफी, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि तमाम जीवित जीव जो हैं उनका, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, सभी जीव उनका भौगोलिक वितरण किस प्रकार का है, इस वितरण का से संबंधित जो अध्ययन है वो बायो ज्योग्राफी कहलाता है। और पौधों और जंतुओं के ये जो समुदाय हैं, अलग अलग समुदाय, ये भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग इनका वितरण पाया जाता है। ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न प्रकार के होते हैं। तो पूरे भारत में आप देखते हैं कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इनका वितरण सर्वथा भिन्न हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो बायो ज्योग्राफी, भौगोलिक आधार पर अगर हम इन जीवों को देखते हैं तो इन्हें 10 बायो ज्योग्राफिकल रीजन में भारत में बांटा गया है। और यह वितरण किसने किया है? यह वितरण जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पूरे देश में मिलने वाले जीवित जीवों को ऐसे 10 बायो ज्योग्राफिकल रीजन में क्लासिफाई किया है, बांटा है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है हमारी भौगोलिक क्षेत्र जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं, क्लाइमेट यानी जलवायु अलग अलग प्रकार की है, और इन जलवायु में वितरित पौधे और जीव जंतु अलग अलग हैं। इन सबको आधार मानते हुए पूरे भारत में पाए जाने वाले समस्त जीवों को 10 बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। अब देखें, भारत के संदर्भ में चूंकि बात हो रही है तो ये बायो ज्योग्राफी जो है भारत में, कुल इसका जो एरिया है, भारत का लैंड एरिया जो है ये करीब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया हमारे देश का है, और ये करीब विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और हमारा देश जो है यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। आप जानते हैं अगर हम ग्लोब को देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो आधे आधे गोलार्ध जो हैं, उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले क्षेत्र में हमारा देश आता है। और जियोलॉजिकली अगर हम समझें तो हमारा देश इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। हमारा देश इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 4 हॉट स्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं। हॉट स्पॉट्स क्या हैं कि आप जानते हैं, हॉट स्पॉट्स ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बायोडायवर्सिटी रिच क्षेत्र हैं, जहां जैव विविधता बहुत अधिक है, ऐसे क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो ऐसे 4 हॉट स्पॉट्स, पहले 2 थे, अब 4 चिन्हित किए गए हैं भारत में, जिसकी वजह से हमारा देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो 10 बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, इनके 10 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर ही इनके 10 नाम अलग अलग रखे गए हैं। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा है हिमालय क्षेत्र, तीसरा है डेजर्ट, चौथा है सेमी एराइड, पांचवा है वेस्टर्न घाट, छठवां है डेक्कन पेनिनसुला, सातवां है गंगेटिक प्लेन, आठवां है नॉर्थ ईस्ट, नौवां है कोस्टल एरिया, दसवां है आइलैंड।
तो ये 10 प्रकार के बायोजोग्राफिकल रीजन जो हैं ये क्लासिफाई किए गए हैं भारत में। इनको अगर आप देखें इन 10 बायोजोग्राफिकल रीजन्स में पुनः 26 बायोटिक प्रोविंसेस रखे गए हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बायोजोग्राफिकल रीजन के सामने हमने बायोटिक प्रोविंसेस के नाम लिख रखे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रांस हिमालयास क्षेत्र में लद्दाख की चोटियां माउंटेन्स पहाड़ आते हैं वहां पे, लद्दाख के तिब्बतियन प्लेटू पठार का इलाका तिब्बत का आता है। उसी तरीके से हिमालय क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट हिमालय का भाग आता है। डेजर्ट में थार और कच्छ का क्षेत्र आता है। सेमी एराइड क्षेत्र में पंजाब का पठारी इलाका, गुजरात और राजपुताना क्षेत्र आता है। इसी तरीके से पांचवा वेस्टर्न घाट जो है, इसमें मलाबार का पठार और वेस्टर्न घाट आता है। दक्षिण पेनिनसुला जो है, डेक्कन पेनिनसुला, इसमें सेंट्रल हाईलैंड यानी जो ऊंचे इलाके हैं, छोटा नागपुर, मध्य का पठार सेंट्रल प्लेटू, डेक्कन साउथ, ये इलाके आते हैं। सातवां हिस्सा जो है गंगा का पठार है, जिसको कि हम गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। इसमें इसे तीन भागों में बांटा गया है, अपर लोअर और मिडिल गैंजेटिक प्लेन। आठवां क्षेत्र जो है नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है, जिसमें ब्रह्मपुत्र वैली और नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो हैं ये दो क्षेत्र रखे गए हैं। इसी तरीके से जो कोस्टल इलाका है समुद्र के किनारे वाला, वेस्ट, ईस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप का इलाका इसमें आता है, और आइलैंड का क्षेत्र जिसमें कि अंडमान निकोबार आइलैंड और कुछ हिस्सा लक्षद्वीप आयरलैंड का इसमें रखा गया है। तो इस प्रकार से 26 बायोटिक प्रोविंसेस जो हैं वो इन 10 बायोजोग्राफिकल रीजन्स में रखे गए हैं। अब ये जो 10 बायोजोग्राफिकल रीजन्स हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार का की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, किस प्रकार का मौसम होता है, कितना कितनी बारिश होती है, किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और कैसी वनस्पतियां इन इलाकों में या और कैसे जीव जंतु इन इलाकों में पाए जाते हैं, इसकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ट्रांस, ये देखिए यहाँ पर ये हमने कंसोलिडेटेड भारत का नक्शा एक दिखा रहे हैं हम, जिसमें अलग अलग रंगों से इन 10 बायोजोग्राफिकल रीजन को हमने क्लासिफाई करके दिखाया हुआ है। ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। विगत वर्षों में और परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में इसे पूछा जाता है कि भारत का मानचित्र बनाते हुए उसमें बायोजोग्राफिकल रीजन को प्रदर्शित करें, तो ऐसा फुल क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के नाम अलग अलग हैं और उन्हें मानचित्र में अलग अलग दिखाने का अभ्यास जो है आप इस चित्र के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। इसके बाद हम चलें, सबसे पहला क्षेत्र है जिसे कि हमने ट्रांस हिमालयन रीजन कहा है। इस ट्रांस हिमालयन रीजन किसे कहेंगे, तो ट्रांस हिमालयन रीजन वह क्षेत्र है नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन जो पहाड़ों की श्रृंखला है इसका जो उत्तरी भाग है उस भाग को हम ट्रांस हिमालय रेंज कहते हैं, और ये हम भारत में नॉर्थ वेस्ट भाग में पाया जा रहा है यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में, और ये करीब 1,86,200 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो प्रदेश आते हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का क्षेत्र इस इलाके में आता है, और यहाँ पर मिलने वाली जो वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियां बिखरी हुई हैं, स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। यहाँ ये रीजन बहुत कोल्ड, ठंडा और एराइड रीजन है यानी सूखा क्षेत्र है। तापमान यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इसे हम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो करीब 4,500 मीटर ऊंचाई इसकी होती है, और इस इलाके में खुली चट्टाने और ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इस इलाके में अगर हम देखें तो तीन भाग इसके हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इस ट्रांस हिमालयन रीजन का एक फुट वाला हिस्सा यानी सबसे निचला हिस्सा, जिसको फुट ऑफ द हिमालयन रीजन हम कह सकते हैं, जिसमें उसके बाद जो मध्य का हिस्सा है और एक चोटी का हिस्सा है। तो जो सबसे निचला हिस्सा है जिसको कि हम फ्लोर कह सकते हैं, ये फ्लोर का हिस्सा या फुटहिल वाला जो हिस्सा है इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल प्रकार की वनस्पतियां जंगल पाए जाते हैं, जबकि मिडिल भाग में टेम्परेट प्रकार के, और टॉप में सबसे ऊपरी इलाके में आप देखेंगे एल्पाइन प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाइल्ड आर्स, स्नो लेपर्ड और वन हॉर्न
एक सिंग वाला राइनो जो है वो भी इस इलाके में पाया जाता है। वाइल्ड शिप और गोट जो हैं वो इस इलाके में बहुतायत पाए जाते हैं, इस इलाके की पहचान है। इस इलाके में मिलने वाले जो पौधे हैं, अगर हम देखें, सूर्या, डलबर्जिया, सिड्रेला, फाइकस, अकेसिया, ब्यूटिया, ये पौधे जो हैं हम देखते हैं ये फ्लोर में, फुट वाले हिस्से में पाए जाते हैं। जबकि क्वेरकस, विटुला, सेलेक्स, पॉपुलस, एबीज, रोडोडेंड्रॉन, ये कुछ पौधे हैं जो कि मध्य टेम्परेट वाले भाग में पाए जाते हैं। और अल्पाइन वाले भाग में आप पाएंगे कि प्राइमुला, पॉलीगोनम, जेरेनियम, एस्टर, ऐसे पौधे पाए जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं वनस्पतियां, इनका वितरण अलग अलग हमें दिखाई देता है। आइए अब देखते हैं दूसरा क्षेत्र है। ये यहाँ पर आप मानचित्र देख रहे हैं जिसमें कि हमने ट्रांस हिमालयन क्षेत्र को दिखाया हुआ है। जो रंगीन क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इस नक्शे में, वो ये बता रहा है कि ये क्षेत्र ट्रांस हिमालयन रीजन है, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र है, अगला जो बायोजोग्राफिकल रीजन है, जिसको कि हम हिमालयाज रीजन कहते हैं, हिमालयाज रीजन ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अभी सबसे नई बनी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि यंग माउंटेन चेन है। और यहाँ पर जंगल जो है बहुत डेंस होते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। तापमान 18 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर घास और हरे भरे वृक्ष जो हैं, टॉल ट्रीज यहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ओक, चेस्टनट, पाइन, देवदार, ये पेड़ यहाँ पर उगते हुए दिखाई देते हैं। अब इन पहाड़ियों पर जहां पर स्नो लाइन है, यानी जिसके ऊपर बर्फ जमती है, जिस ऊंचाई के ऊपर बर्फ जमती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। यहाँ पर मिलने वाले जो जंतु हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर वाइल्ड शिप, माउंटेन गोट्स, श्रीव, पांडा और स्नो लेपर्ड, ऐसे जंतु जो हैं ये हिमालयन क्षेत्र में बहुतायत हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखें यहाँ पर, ये अगला मैप है जिसमें आप देख रहे हैं, रंगीन हिस्सा आपको इंडियन हिमालयन स्टेट्स के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं डेजर्ट। डेजर्ट से आप समझ रहे हैं कि रेतीला हिस्सा, जहाँ मिट्टी में पानी नहीं है, सैंड पाया जा रहा है, चट्टाने पाई जा रही हैं, ऐसा इलाका जो है जिसको कि हम डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, जो कि भारत में राजस्थान, कच्छ और दिल्ली के कुछ हिस्सा, दिल्ली के कुछ हिस्से में और गुजरात के कुछ हिस्से में इस प्रकार का डेजर्ट पाया जाता है। क्लाइमेट जो है इस इलाके में अगर आप देखें, बहुत मौसम जो है बहुत गर्म होता है, ड्राई समर, यानी गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यानी ड्राई समर और कोल्ड विंटर होता है। तापमान का वेरिएशन अगर आप देखें, यहाँ पर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हमें दिखाई देता है। रेनफॉल जो है यहाँ बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं 70 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और मिट्टी यहाँ की रेतीली है और उसमें हार्ड चट्टाने, रॉक्स पाई जा रही हैं। ऐसे कम पानी वाले हिस्से स्थानों पर आप समझते हैं यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, मरुद्भिज वनस्पतियां, जिनको कि हम जीरोफिटिक कहते हैं, ऐसा वेजिटेशन हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ मिलने वाली वनस्पतियों में बहुतायत आपको बबुल और वाइल्ड पाम के पौधे देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भारतीय एंडेंजर्ड बर्ड जो है, इंडियन बस्टर्ड, ये भी इस इलाके में हमको देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा जो जंतु मिलते हैं, जैसे कैमल है, वाइल्ड आस है, फॉक्सेस हैं, लोमड़ी है, स्नेक्स हैं, ये जंतु इस इलाके में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये डेजर्ट का इलाका है, ये लाल रंग से मार्क किया हुआ गया है नक्शे में। थार का मरुस्थल आप देख पा रहे हैं, कच्छ का इलाका देख पा रहे हैं। चौथा जो बायोजोग्राफिकल रीजन है, इसे हम कहते हैं सेमी अराइड रीजन। ये सेमी अराइड रीजन जो है, यानी अल्प शुष्क, अर्ध शुष्क, ये इलाका कहाँ पर होगा? शुष्क क्षेत्र के नजदीक होगा। तो शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो अभी आपने देखा डेजर्ट वाला इलाका है। तो उससे जुड़े हुए जो भाग हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये ऐसे इलाके हैं जो डेजर्ट क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों को हम सेमी एराइड क्षेत्र कहते हैं। ये ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशनल जोन यानी एक दूसरे को जोड़ने वाले, डेंस फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट जहाँ पे कि सदा जहाँ पर हरी भरी वनस्पतियां हैं उनको और डेजर्ट को जोड़ने वाला ये बीच का जो हिस्सा है, ये जो ट्रांजिशनल जोन है इसको हम सेमी एराइड जोन कहते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पतियां कांटेदार होती हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं,
इसीलिए यहाँ आपको झाड़ियां मिलेंगी, ग्रासेस यानी घास मिलेगी, बेम्बू यानी यहाँ पर बांस मिलेगा, ऐसे पौधे पाए जाएंगे, और अन्य जीरोफिटिक प्लांट्स जैसे कि अकेसिया है, ये बेलेनाइटिस है, कैपेरिस है, ग्रेविया है, ये ऐसे हर्ब्स भी जीरोफिटिक हर्ब्स हैं, ये मरुद्भिद पौधे हैं जो कि इस इलाके में उगते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एशियाटिक लायन जो है वो गिर का फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वहां पर एशियाटिक लायन भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये देखिए सेमी एराइड क्षेत्र को हमने यहाँ पर नक्शे में दिखाया है, जो हिस्सा यहाँ पे कलर्ड दिख रहा है आप देख के पहचान सकते हैं कि ये हिस्सा सेमी एराइड इलाका है। अगला जो पांचवा बायोजोग्राफिकल रीजन है इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। वेस्टर्न घाट जो है ये सबसे बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है, हॉटस्पॉट है जहां पर कि सबसे ज्यादा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें ये इलाका जो है ये कन्याकुमारी इन द साउथ, साउथ में कन्याकुमारी से, दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ में ताप्ती रिवर तक का फैला हुआ जो हिस्सा है इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। इसमें जो राज्य आते हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला का कुछ हिस्सा इसमें आता है। ये इलाका करीब 2700 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है और यहाँ पर रिच एवरग्रीन फॉरेस्ट है यानी हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। करीब 4000 हायर प्लांट्स और ये 1800 ना 4000 प्लांट्स में से करीब 1800 प्रजातियां ऐसी यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि एंडेमिक हैं। एंडेमिक यानी वो क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, केवल इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, विश्व के अन्य भागों में नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है और यहाँ पर कुछ इलाकों को साफ करके चाय, कॉफी, कोकोवा, रबर, कार्डिमोन और सिंकोना आदि का प्लांटेशन भी किया जा रहा है। यहाँ पर मिलने वाले जो जंतु हैं उनमें लंगूर, टाइगर, लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट जो हैं इस इलाके में बहुतायत हमें देखने के लिए मिलते हैं। वेस्टर्न घाट का ये यहाँ पर मैप देखिए, ये अरेबियन सी से लगा हुआ संपूर्ण इलाका जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का कुछ हिस्सा सम्मिलित है, ये पूरा हरा भरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसे कि हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। अगला बायोजोग्राफिकल रीजन छठवां जो है इसे हम डेक्कन डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। डेक्कन का अर्थ है दक्षिण। तो ये करीब 43% भूभाग, कुल भूभाग इसका है जिसमें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा का क्षेत्र आता है। इसमें ज्यादातर जो जंगल पाए जा रहे हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं या कांटेदार थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडुअस जंगल ऐसे जंगल हैं जहाँ की साल भर में पौधों में एक बार लीफ फॉल होता है। सारी सारे पौधे जो हैं गर्मियों के दिन में अप्रैल मई जून के समय में अपनी पत्तियां जो हैं वो त्याग देते हैं और फिर बारिश के साथ ही नई पत्तियां इसमें आती हैं। क्योंकि इनके जीवन चक्र में इन जंगलों में आप देखते हैं कि लीफ शेड होता है और पूरा का पूरा जंगल जो है वो हमें सूखा और नेकेड दिखाई देने लगता है। तो ऐसे जंगल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाते हैं। और इसके अलावा कांटेदार वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। केवल बहुत छोटा सा पैच है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का होता है जो कि इस इलाके में पाया जाता है। महत्वपूर्ण पौधे जो पाए जा रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसको कि हम टीक या सागौन कहते हैं, सोरिया रबुस्टा, साल, अकेसिया, बबूल के पौधे, एल्बिजिया अमारा, एल्बिजिया सीरीज के पौधे, हार्डविकिया, ये सब पौधे पाए जाते हैं। और जंतुओं को अगर हम देखें तो उसमें चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंग, एलिफेंट, ये सब जंतु पाए जाते हैं। लेकिन इस इलाके में टाइगर जो है इसकी उपस्थिति नहीं देखी गई है। देखें डेक्कन पेनिनसुला कैसा दिखाई देता है। ये डेक्कन पेनिनसुला का हमने चित्र यहाँ पर दिखाया हुआ है नक्शे में, पूरा ये दक्षिण का पठार जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगला जो बायोजोग्राफिकल रीजन है इसे हम कहते हैं गंगेटिक प्लेन, गंगा का पठार। गंगा का पठार जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा ग्रेट प्लेन पठार है उसका ये बड़ा हिस्सा है। गंगा यहाँ पर मुख्य नदी के रूप में बहती है। इस भाग को तीन भागों में बांटा गया है, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन। अब इसमें अपर गंगेटिक प्लेन जो है वो करीब दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक बिखरा हुआ फैला हुआ है, मिडिल प्लेन जो है वो इलाहाबाद से बिहार तक फैला हुआ है, और लोअर प्लेन जो है वो वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। ये इलाका गंगा का पठार का जो इलाका है यहाँ पर आप देखते हैं कि मिट्टी जो है बहुत फर्टाइल होती है। करीब 2400 किलोमीटर ये लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा होता है और यहाँ पर
जो पौधे उगते हैं, टीक, साल, शीशम, महुआ, खैर, कत्था, ये पौधे उगते हुए हमें दिखाई देते हैं। गंगा का पठार आप यहाँ चित्र में देखिए, ये जो हरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा आप मैप में दिखने वाला हरा हिस्सा गंगा का पठार है। आठवां बायोजियोग्राफिकल रीजन जो है, इसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो रिच कम्युनिटीज, प्लांट्स और एनिमल्स की जो कम्युनिटीज हैं, वो बहुत रिच होती हैं, यानी बड़ी संख्या में बड़े ज्यादा प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, और उनमें एक बड़ी संख्या एंडेमिक्स की है, जो कि क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, और करीब 40% भाग इनका इस इलाके का जो है, ये वनस्पतियों से, इन इन एंडेमिक्स और कम्युनिटीज से घिरा हुआ है। इसमें जो राज्य आते हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारा मिलकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो के सारे स्टेट्स हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रमुख वनस्पतियां हैं, वो हैं माइचिलिया, सोरिया, आर्टोकार्पस, एल्स्टोनिया, स्टरकोलिया, लजरस्टोमिया, फाइकस, ऐसे पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा मेघालय की जो प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं, खासी एंड जांतिया हिल्स, ये भी इस क्षेत्र में आती हैं, और ये एक ट्रांजिशनल जोन है, जोड़ने वाला हिस्सा है भारत का, जो कि इंडो मलाया और इंडो चाइनीज क्षेत्र, इन दोनों को, चाइना और मलाया क्षेत्र को जोड़ने वाला हिस्से के रूप में जाना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये यहाँ पर हम आपको मैप दिखा रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये अरुणाचल, ये सारा हिस्सा जो कि लाल रंग से मार्क्ड है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन है। नौवां जो है आइलैंड, आइलैंड जो है भारत में, दो आइलैंड क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक अंडमान निकोबार का आइलैंड है, जिसमें 348 छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं। उसी तरीके से लक्षद्वीप, जिसमें 43 आइलैंड है। अंडमान निकोबार जो कि उसका आइलैंड जो है, वो करीब, ये आइलैंड 590 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, और यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं, उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर लीगली करीब 86% हिस्से को वनों से आच्छादित रखना यहाँ पर नियमता नियम बनाया गया है। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है यहाँ पर, टर्मिनेलिया के जंगल जो है हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं। ये इलाका भी अभी पिछले दिनों, रिसेंटली, इसको अभी हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। अन्य वनस्पतियां जो यहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि राइजोफोरा, माइमोसॉप्स, कैलोफिलम, डिप्टेरोकार्पस और लेजरोस्टोमिया, ये पौधे भी इस आइलैंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आइलैंड का हिस्सा अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने भारत का नक्शा बनाया हुआ है, जिसमें बे ऑफ बंगाल में आप अंडमान निकोबार का क्षेत्र देख रहे हैं, विस्तृत ढेर सारे आयरलैंड आपको आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। वहीं अरेबियन सी जो है, उसमें आपको लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का आइलैंड दिखाई दे रहा है। दसवां जो बायोजोग्राफिकल रीजन है, इसको हम कोस्टल रीजन कहते हैं, जो कि समुद्र से लगा हुआ किनारे का हिस्सा जो है, ये कोस्टल रीजन कहलाता है। इसकी लंबाई करीब 75,165 किलोमीटर है, ये इतना लंबा है। ये रन ऑफ कच्छ से लेकर बांग्लादेश तक, ये पूरा समुद्री इलाका हमारा, पेनिनसुलर इंडिया का, ये इस तरीके से समुद्र फैला हुआ है, जिसमें अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, इसमें हम देख पा रहे हैं। वेस्ट कोस्ट जो है, इसमें पश्चिमी क्षेत्र जो है, करीब 50 से 65 किलोमीटर चौड़ा है। इसी तरीके से जो ईस्टर्न भाग है, ईस्टर्न कोस्ट जो है, जिसमें कि बे ऑफ बंगाल है, साउथ में बे ऑफ बंगाल टू साउथ विथ ईस्टर्न घाट तक ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई करीब, इसकी चौड़ाई जो है, 450 से 750 किलोमीटर है। और यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, और धान की खेती इस इलाके में सबसे ज्यादा की जाती है। और कोस्टल रीजन में यहाँ पर नारियल के पेड़ जो हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं, पाए जाते हैं, कोस्टल इलाके में लगे हुए होते हैं। और कोस्टल इलाके में अन्य जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो मैनग्रोव वेजिटेशन होता है, जो कि इस किनारे किनारे रेतीली मिट्टी में पाया जाता है। तो इस ये 10 कोस्टल रीजन, दसवां बायोजोग्राफिकल रीजन, जिसको कि हमने कोस्टल रीजन की बताया, ये देखिए यहाँ पर इस नक्शे में नीले रंग से जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये समुद्र के किनारे वाला हिस्सा। नीचे आप देख रहे हैं, इधर लेफ्ट में वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी,
और इधर ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, और ये नीले रंग से मार्क्ड हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है ये कोस्टल रीजन है। तो इस प्रकार से ये 10 जो रीजन है इनको बायोजोग्राफिकल रीजन्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो परीक्षा में फुल क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है, डिस्क्राइब द बायोजोग्राफिकल रीजन, बायोजोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपको चित्र बनाकर ये रीजन्स दिखाने हैं और इन 10 रीजन्स के बारे में लिखना है। अब इसमें लिखते समय अंकों की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, तो अंकों की दृष्टि से जो आपको हाईलाइट करना है कि हर बायोजोग्राफिकल रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार की है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है, कितनी बारिश हो रही है, और वो भूभाग उसमें कौन कौन से राज्य हमारे देश के आते हैं, दूसरा हो गया, और तीसरा वहां किस प्रकार की वनस्पतियां और किस प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो जब आप उत्तर लिखें तो प्रत्येक बायोजोग्राफिकल रीजन में इस बात को अवश्य उल्लेखित करें कि वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और कौन कौन से राज्य, कौन सा इलाका वहां पर आ रहा है, और किस प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जा रहे हैं। ये तीन बात का उल्लेख करना और पौधों और जंतुओं के नाम को उदाहरण के रूप में लिखना आपको परीक्षा में ज्यादा अंक दिलाएगा। तो इस पे विशेष फोकस रखते हुए अपने उत्तर को आप तैयार करेंगे। तो हमने 2 प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि आपको भारत के नक्शे में बायोजोग्राफिकल रीजन्स को इंडिकेट करने के लिए कहा जाए या उसका वर्णन करने के लिए कहा जाए। तो ये एक विस्तृत जानकारी आपको हमने बायोजोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में दी है। निश्चित रूप से इस लेक्चर से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।